भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार क्रिकेटर युजवेंद्र चहल ने कई साल पुराने एक वाक्य के बारे में खुलासा किया है जिसमें उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव हुआ था। उस खुलासे को सुनकर पूरी क्रिकेट की दुनिया हिल गई है, फैंस भी काफी ज्यादा शॉक में हैं। चहल इन दिनों राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा है। आपको नहीं पता तो आपको बता दें कि टीम से जुड़ने के बाद एक कार्यक्रम में वो एक पुराने लम्हे के बारे में कुछ बातें साझा कर रहे थे। ये बात है साल 2013 की, जब चहल मुंबई इंडियंस की टीम में खेला करते थे, टीम के हिस्सा थे, और उन्होंने बताया कि किस तरह से 2013 में उनके एक साथी खिलाड़ी ने नशे की हालत में उन्हें 15वीं मंजिल से लटका दिया, बालकनी से उनको लटका दिया, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गए थे और वो मरने की कगार पे थे। हालांकि चहल ने इस खिलाड़ी के नाम का खुलासा नहीं किया है, लेकिन इन खुलासों के बाद फैंस बहुत निराश है। फैंस भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई की ओर से अपराधी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उसी के साथ साथ कई पूर्व क्रिकेटर्स ने भी यहां पर अपना बयान दिया इस पर, और आपको बता दें कि वीरेंद्र सहवाग से लेकर रवि शास्त्री ने इस पर अपनी राय रखी है। वीरेंद्र सहवाग ने कहा है कि चहल को उस खिलाड़ी का नाम बताना चाहिए जिसने उनके साथ बदसलूकी की थी, ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए, सहवाग ने कहा है। और अब रवि शास्त्री, जो कि भारत के पूर्व कोच रह चुके हैं, उन्होंने इस घटना को खतरनाक बताते हुए दोषी खिलाड़ी के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। रवि शास्त्री ने कहा, मैं पहली बार इस तरह की चीज सुन रहा हूँ, ये बिल्कुल भी मजाकिया नहीं है। अगर ये घटना आज होती है तो दोषी पर आजीवन प्रतिबंध लगना चाहिए और उस व्यक्ति को जितना जल्दी संभव हो पुनर्वास केंद्र में भेजा जाना चाहिए। आपको बता दें, शास्त्री ने आगे कहा कि एक लाइफ टाइम बैन जो है वो बेहतर है, और उसे पता चलेगा जो खिलाड़ी है, जो दोषी खिलाड़ी है, कि ये बिल्कुल भी मजाकिया नहीं था, उसको इसका खामियाजा भुगतना चाहिए। आपको बता दें कि चहल ने कहा था कि काफी लोगों को इस घटना की जानकारी नहीं थी क्योंकि उन्होंने इसे अपने तक रखा था। आपको बता दें, रवि शास्त्री ने आगे कहा है कि किसी भी खिलाड़ी के साथ ऐसा होता है तो वो इस तरह की घटनाओं की जानकारी दे और कोई घटना घटने तक की इंतजार ना करें।